धनु राशि जिसकी लॉर्डशिप आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास, क्या होगा आखिर इस अगस्त महीने में, ये जानकारी आज आपको मिलेगी। आपकी राशि के लॉर्ड मंगल के साथ छठे भाव में है, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा तनाव टेंशन ऐसी सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द इस महीने दिखाई पड़ेंगी। पॉजिटिव साइन ये है कि दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, यानी कि आपको बाहर निकाल लेंगे। तनाव तो होगा, परिस्थितियां विपरीत तो बनेंगी, पर बचाव भी आपका हो जाएगा। यदि बात करी जाए आपके बुध शुक्र की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ही ग्रह आपके भाग्य के घर में बैठे हैं। धार्मिक जीवन में आपकी रुचि काफ़ी अच्छी रहेगी, धर्म कर्म के कार्यों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और एक बात और बोल देता हूँ, 16 अगस्त के बाद आपको भाग्य के अनुरूप कोई विशेष सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई विशेष कार्य आपका सिद्ध होगा, ऐसा ग्रह योग राशि अनुसार दिखाई दे रहा है। यदि बात करी जाए आपके सुख सुविधाओं की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 20 तारीख के बाद कुछ भी नया ना खरीदें, बचे नया खरीदने से ग्रह ऐसा इशारा कर रहे हैं। आपका शनि रेट्रोग्रेड है और वो भी धोखे देने वाले घर में है। आपसे जो लोग आयु में छोटे हैं उनके द्वारा आपको कोई तकलीफ पहुंच सकती है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना होगा, ये आग्रह भी मैं आपसे करना चाहूँगा। और थोड़ा सा तनाव टेंशन होना, नेगेटिव थॉट्स आना, ऐसी ग्रह स्थिति शनि की तीसरी नीच दृष्टि के कारण आपकी बुद्धि पर यानी कि माइंड पर आती हुई नज़र आ रही है, यहाँ भी बचाव की आवश्यकता है। अब आपसे बात करते हैं आपके प्रॉपर कैरियर के घर की, तो कैरियर का लॉर्ड भाग्य के घर में है 1st 22 डेज तक, उसके बाद अष्टम भाव में चला जाएगा, तो 22 तारीख से ज़्यादा दिक्कत है, 22 से पहले फिर भी चीज़ें मैनेजेबल दिखाई पड़ती हैं। ये है आपका ग्रह योग, धन की स्थिति सामान्य रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।